स्वेच्छासेवी अनुष्ठान शांति पक्षर प्रस्तुत सूचना घटना और विज्ञापन भित्तिक कार्यक्रम दृष्टि को मु रोजालीन आपण मानको स्वागत जनाउछि। आजिरो मुख्यांशरि दिनिकिया धर्मघट कारण पुरी रे ऑटोरिक्शा और टैक्सी चलाचल बंद, यात्री हैरान। आंदोलन में योगदान करिनथिबा ऑटोरिक्शा चालकों को महासंघर कर्मकर्ता गोड़ाई गोड़ाई पिटिले। पुरी बेलाभूमि रे बालुका कला म्यूजियम परिदर्शन कले राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। षोड़शतम लोकमेलार मंच में परिवेशित लोकनृत्य में झुमिले दर्शक एवं एथिसह अन्यान्य खबर। ओला और उबेर भली घरोई परिवहन कंपनी ओडिशार कटक और भुवनेश्वर भली बड़ बड़ शहर में प्रवेश करिथिबा बेले एबे विभिन्न जिलार सदर महकुमा रे सेमानगर व्यवसाय को वृद्धि करिवार योजना आरंभ करिछंती। बड़ बड़ कंपनी को प्रवेश हेले टैक्सी और ऑटोरिक्शा चलाई निज निजर परिवार को चलाउथिबा हजार हजार परिवार बेकार हेबार भय सृष्टि होईछि। घरोई कंपनी को अनुमति न दिया, टैक्सी और ऑटोरिक्शा मान को पार्किंग निमंते पर्याप्त सुजोग दिया एवं पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि अनुपात में सेमानकर मध्य भड़ा को वृद्धि करा दाबी रे गोटे दिन राज्य में ऑटोरिक्शा और टैक्सी चलाचल बंद करिवार आह्वान देथिला राज्य महासंघ। से ही आह्वान को समर्थन जनाई पुरी जिला ऑटो चालक महासंघ एवं टैक्सी चालक महासंघ गुरुवार दिन धर्मघट कर पुरी शहर में सेमानकर जानवाहन चलाचल को बंद रखिथिले। संख्याधिक ऑटोरिक्शा बंद रहिबा कारणरु यात्रीगण छुआ पिला धरी प्रचंड खरारे डहल बिकल होइ सेमानकर जिनिसपत्र धरी रास्तारे चली चली जाउथिबा परिलक्षित होइथिला। अंकिता, अंकिता ग्रायकर, रायगढ़ से आए हैं हम लोग पूरी घूमने के लिए। यहाँ पर ऑटो का बहुत दिक्कत है और हम लोग धूप में बहुत परेशान हो रहे हैं और स्ट्राइक है भी, तो हम लोग के लिए कुछ सुविधा देना चाहिए था प्रशासन को, जो कि अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग को बहुत परेशानी और दिक्कत हो रही है। स्ट्राइक है तो हम लोग को ऐसा सुविधा मिलना चाहिए जिसमें कि हम लोग को साधन, हम लोग इतने दूर दूर से आए हैं तो हम लोग को भी थोड़ा यहाँ पर उम्मीद रहता है कि सब हम लोग को साधन मिलेगा, मगर हम लोग ये सब साधन से वंचित हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। दिक्कतें हो रही कि यहाँ कोई ऑटो नहीं चल रहा है, हमारे साथ बच्चे हैं, हम लोग कल से खाया भी नहीं है, भूख मर रहे हैं और ऑटो चल नहीं रहा है। बोल रहे हैं कि पेट्रोल का दाम ज्यादा हो गया, जो भी है परेशानी हो रहा है हम लोग को, टूरिस्टों को परेशानी हो रही है। इसके लिए कम से कम ये स्थल ऐसे है जहाँ पर ऑटो वालों को कम से कम कंट्रोल करना चाहिए, शासन को पर एक्शन लेना चाहिए। बाकी हम लोग को टूरिस्टों को क्या बोलते हैं परेशानी हो रही है ना, ये नहीं होना चाहिए, भले प्रशासन के लिए कड़क तो करना चाहिए। महासंघर आह्वान को बेखातिर करी शताधिक ऑटोरिक्शा पूरी शहर रे लुची छपी चलाचल करुथिबा परिलक्षित होइथिबा बेले केतेक स्थान रे महासंघर कर्मकर्तागण ठेंगा और बाड़ी आदि धरी सेमानकु दिनटिए सेमानक जानकु बंद रखिबा निमन्ते बाध्य करुथिबा मध्ये दृष्टिगोचर होइथिला। ऑटोरिक्शा धर्मघट कारण पुरी शहर में हठात रिक्शा भड़ा बहुगुणित हो जाता
पुरी रेल स्टेशन ठारु गुंडीचा मंदिर और सिंहधार पर्यंत रास्ता को 150-200 टंका पर्यंत अनेक रिक्शा चालक यात्री और पर्यटक मानक आदाय करथिबार सूचना मिली। प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव गरम और गुळगुळी कारण पर्यटक और यात्रीगण बाध्य होई अधिक भड़ा दे रिक्शा जोगे जाइथिबा बेले केतक क्षेत्र में यात्रीगण ट्रॉली रिक्शा मानक छता धरी गोष्ठीगत भाव बसिकर जाउथिबा परिलक्षित होइथिला। मध्यान परे परे ओडिशा टैक्सी ऑटो महासंघ एवं श्रीक्षेत्र क्षुद्र परिवहन चालक महासंघ पक्षरु दुर्गाचरण खुंटिया और श्रीकांत परिजांक नेतृत्व में जिलापालक कार्यालय सम्मुखें एक विक्षोभ समावेश आयोजन करा उभय श्रमिक नेता वक्तव्य प्रदान कर महासंघर दाबी मानक उपस्थापन कर प्रशासन ठारू आरंभ करी भोजन माने सौद लगी आज मुझे देखु भुवनेश्वर चित्र पठे मो मोबाइल को भुवनेश्वर अति सुंदर भाव बंधु ऑटो टैक्सी की संपूर्ण भाव में पूरी सहर से बंद रही संपूर्ण भाव में यात्री सेवा को बंद कर राज्य धर्मगढ़ सहित आम सामिल होमर आज जो दाबी रही मुख्य दाबी जो तेल रेट बढ़ुची जो पेट्रोल डीजल रेट बढ़ी बस रेट बढ़ी पार्टी कि टैक्सी और अटोर भड़ा बढ़ी पार्ना तो यहाँ विरुद्ध आम सरकार को दायपत्र दौ तेल रेट बढ़ाओ कमाओ एवं आमर ना यात्री भड़ा बढ़ाओ एवं सहित जो ओला उबेर कंपनी की पूरी सहर हस्तांतर कर बड़ बड़ टैक्सी स्टाण्ड सब अच्छी से टैक्सी स्टाण्ड अटो स्टाण्ड ओला उबेर देवा जो नीलाम व्यवस्था आरंभ कर विरोध करुचु सहित जो सामाजिक सुरक्षा जो सामाजिक सुरक्षा अटो और टैक्सी किसी लेबर कार्ड से देखते कि संपूर्ण भाव में लेबर कार्ड बर्तमान सुधा देना तो आम व्यापक परिमाण में लेबर कार्ड दि जाऊँ से पेंशन व्यवस्था करमाण श्रमिक मानक जहाँ जहाँ सुविधा सुजोग अच्छी टैक्सी ड्राइवर मानक कर समस्त अटो ड्राइवर को परमिट रिन्यूअल कर दाबी उपरे आज एक दाबी पत्र आम मुख्यमंत्री उद्देश्य से जिलापाल को प्रदान करेंगे। आगामी दिन में जब दाबी पत्र न हुए आज जो गोटे दिन आंदोलन होती ये दिन को अनिर्दिष्ट काल पाई आंदोलन को कंटिन्यू करूँ राज्य राज्य महासंघ हस्तक्षेप कर अवसर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्देश्य से जिलापाल मध्यम एक दाबी पत्र प्रदान कर महासंघर दाबी पत्र प्रदान परे परे सीटू सह सहबंधित श्रीक्षेत्र अटो चालक यूनियन कर्मकर्तागण सभापति शरद कुमार रायगुरु नेतृत्व में एक शोभायात्रा जाई जिलापाल कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करते टैक्सी और अटो चालक मानक विक्षोभ समावेश परिप्रेक्षी में सीडीडीएसपी प्रशांत कुमार पटनायक और टाउन थाना आईआईसी उमाशंकर सिंह परिचालन में जिलापाल कार्यालय निकट में विहित व्यवस्था ग्रहण कर परिवहन कर्मचारी मानी कल्याण बोर्ड गठन परिवहन क्षेत्र में कहीं घर कौन कंपनी मानक डाक जवाब दि आज सारा ओडिशा रे ऑटो चालक माने तांकर धर्मघट रे सामिल होती भाव में पूरी में सामिल होमर कहवा कथा परिवहन क्षेत्र आज जो भाव में भयंकर विपद दे गति करुच्ची विशेषकर मोदी सरकार आसला सड़क निरापत्ता परिवहन बिल संशोधन कराद्वारा ऑटो चालक माने विशेषकर परिवहन क्षेत्र जो मैंने काम कर ड्राइवर मैंने विशेष क्षतिग्रस्त हो द्वितीय कथा हूँ आज पर्यंत ऑटो चालक ठू आरंभ कर बस चालक पर्यंत टैक्सी चालक पर्यंत एम सामाजिक निरापत्ता तैयारी हो पारा ना सामाजिक निरापत्ता अर्थ हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आज पर्यंत सामिल करा एवं परिवहन क्षेत्र में 7 लाख रु ऊर्ध ड्राइवर काम करें आज पर्यंत परिवहन कल्याण बोर्ड गठन हो पारा ना तेणु ए समस्त क्षेत्र चलता बेले ऑटो चालक मानक आउ गोटे जुल मानुची राज्य सरकार
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଟୋ ଚାଳକ ହଉ କି ବସ୍ ଚାଳକ ହଉ, ଏମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଟନେସ୍, ପରିମିଟ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଇଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ସରକାର ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେକିଦେବା ଫଳରେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଜୁଲମ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଏଲ୍ଟେ ମାସେ ଆପଣଙ୍କର ରିନୁଆଲ୍ ହେଇକରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଏବଂ ପଚାଶ ଗୁଣ ପରିମିଟ ଡିଏଲ୍ ପରିମିଟ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଫାଇନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2014 ଯେଉଁ ପାରିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବି, ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଜି ତ କେବଳ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ମୋଦୀ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଭ୍ ଦ ଓସିଆନ୍ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କର ସମ୍ପର୍କିତ ବାଲୁକା କଳା ସମେତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଶରଦାବାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଷୋଡ଼ଶତମ ଜାତୀୟ ଲୋକମେଳାର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସାମ, ଗୋଆ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ମଣିପୁର, ସିକିମ୍, ପଞ୍ଜାବ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଳାକାରମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବର ସଭାପର୍ବରେ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟଶାଣୀ, ରାଜ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଓ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର କମିଶନର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଡିଆର୍ଡିଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣା ସାହୁ, କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ, ପୁରୀ ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ଫଣ୍ଡ କମିଟିର ସଭାପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆୟକର ଅଧିକାରୀ ଏନ୍କେ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଅତିଥିଗଣ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବା ଦିଗରେ ଆୟୋଜକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୂଚନାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
बेअंधवी गंजेई बिक्री करिबा अभियोगरे अबकारी पुलिस जने गंजेई बेपारी को गिरफ करिछि। अबकारी पुलिस रो सूचना अनुसार पिपली थाना अंतर्गत जागुलियापड़ा बारमुणा पाटणा ग्राम निवासी बाबुला बेहरा गुरुवार दिन बेअन भाव गंजे नहीं निज घर को जाऊथिबा संपर्क अबकारी पुलिस को विश्वस्त सूत्र रु खबर मिलिथिला। यापर चढ़ऊ कर अभियुक्त बाबुला को गिरफ करा जिबा सह तार 11 केजी गंजे जबत करा जाइथिला। गुरुवार दिन अभियुक्त बाबुला को कोर्ट चालान करा जाइछि। एहि चढ़ऊ अबकारी विभाग रो एसआई सूर्यनारायण रथ और राजशेखर साई प्रमुख नेतृत्व रे करा जाइथिला। आज हमर प्रदीप साहू इंस्पेक्टर एवं मोर स्टाफ माने पिपली एरिया जागुलियापड़ा उत्तरा छकू से पाखे जगुआपड़ा जा गाँव को पेट्रोलिंग कर समय एगार किलो गंजे बाबुला बेहरा नाम लोकटे से एगार किलो गंजे धरिकी गोटे रस्तार जाऊला आम अटक धरल आमर सुपरिटेडेंट निर्देश था गंजे केस कौन एन डी पी एस केस ब्रांच सुगार केस ये सब करने लगातार भाव में केस वास चलती आज भी केस को धरी एगार किलो गंजे धरी तार फरार कर आगे आम लोक गिरफ्त कराए कि आज एन डी पी एस आईन 20B आज फरवर्ड कर। अंतर्जातीय बजार समेत भारत में अशोधित तैल दर कम थी केन्द्र सरकार आमदानी शुल्क और राज्य सरकार जीएसटी लगवा कारण भारत में पेट्रोल और डीजेल दर अत्यधिक वृद्धि पाई जाळानी तैल को निज नियंत्रण बाहर को छाड़ी कंपनी मान को मुनाफा देउछन्ते केंद्र सरकार बजार दर अहेतुक वृद्धि कारण मध्यवित्तक समेत खटिकिया चाषी और मूलिया वर्ग शोषण शिकार होउछन्ति। कॉर्पोरेट और कंपनी मान को 2,77,000 कोटी टंका टिकस छाड़ करथिबा केंद्र सरकार कारण अच्छे दिन परिवर्ते बुरे दिन आसीछि बोली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अभियोग करिछि।
पड़ोसी देश मानक जालिनी तैल और रंधनी ग्यास दर कम थी भारत सरकार तेल दर उपर नियंत्रण करने नाराज यही अभियोग कर मोदी सरकार को गादी छाड़ आह्वान सीपीआईएम बुधवार पूर्वाह जिलापाल कार्यालय सम्मुखें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पुरी जिला कमिटी पक्ष एक धारणा कार्यक्रम और प्रतिवाद सभार आयोजन कर सीपीआईएम संपादक शरद कुमार रायगुरु सभापतित्व करते अन्य जगन्नाथ देव रेवती वल्लभ महापात्र रंजित नायक और हारामणि महापात्र प्रमुख नेतृवृंद निज निज वक्तव्य केन्द्र सरकार को समालोचना करते क्षमता को आसिबा पूर्वरु मिथ्या प्रतिश्रुति मान देई मोदी सरकार केवल देशर बैंक और बीमा क्षेत्र रु पूंजी प्रत्याहार करी बड़ बड़ कंपनी को लाभ देइछंती गरीब चासी और बेकार मानक पाई सरकारंकर कोनोसी योजना नाही बोली विक्षोभ स्थल रे वक्तागण प्रकाश करथिले हटात केन्द्र सरकार भर्तुक कथा कह 49 टंका रे किणुतलु आज से सिलिंडर प्राय 402 टंका एणु गरीब मध्यबित्त निम्न मध्यबित्त लोक मानक उपरे सरकार जो जादक माड़ विरुद्ध समग्र देश रे समग्र राज्य रे प्रतिवाद आंदोलन चली नित्य व्यवहार्य जिनस पत्र दर कमे हूँ आतंकवाद विलोप कथा हूँ राष्ट्रायत्त उद्योग को सुरक्षा दवा कथा हूँ जो भाई भाव पेट्रोल डीजेल दर मध्य बढ़ुला कम करने जो मिथ्या स्लोगान मोदी सरकार दे 4 वर्ष ते आज सीपीआईएम पक्षर पेट्रोल डीजेल ता सहित जालिनी गैस जो भाव सरकार अहेतुक भाव दर वृद्धि करतीदिन पेट्रोल डीजेल दर बढ़ुची एवं गैस दर सरकार अणभर्तुक 52 टंका भर्तुक 3 टंका प्राय बढ़ेदे जहाँफल गरीब मध्यबित्त निम्न मध्यबित्त लोक मानकर हांडीशाला उपरे सरकार प्रहार करचंदी तेणु केंद्र सरकार जो आछे दिन देवाई कही से आछे दिन टा कौन या प्रहार देकरी लोक को देउचंदी तेणु तार विरुद्ध आमर आज ये प्रतिवाद धारणा देशव्यापी चली आंदोलन को आहरी जोरदार कर सरकार जदि न कम आज भारत वर्ष जो भाई भाव डीजेल पेट्रोल एवं रंधन गैस दर बढ़ी सेथिपाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तरफ सारा देश में ये आंदोलन प्रतिवाद करा माने जानी आछे दिन कथा कह मोदी सरकार को आसला परे से समस्त प्रतिश्रुति आज मिथ्यारे परिणत होणु झूठ सरकार लूट सरकार मोदी सरकार को गादी छाड़ करने आज डाकरा एवं ये झूठ सरकार को जो पर्यटन गादी हटा न जा एक भयंकर विपद भितर को जीव तेणु आसंता दिन में गणतंत्र उपर जो आक्रमण मोदी सरकार आणव ता प्रति सजग रही एवं देश को जो बिक्री करदे शगमाछ दर में विभिन्न राष्ट्रायत्त उद्योग गुड़ी को ता विरुद्ध लोक मान स्वर उत्तोलन करने आवश्यकता हम तेणु आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आह्वान कर देशवासी को जे भारत वर्ष मोदी सरकार जो भाई भाव में जन विरोधी नीति गुड़ी को आपणई विरुद्ध लोक मान संयुक्त होगा दरकार आगामी दिन में मोदी सरकार को गादी उत्खात करने को पड़ो यही राहा यही नारा भारत वर्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी परिवेशर सुरक्षा लक्ष्य रे विश्व स्तर रे आयोजित होउछि मासिव आर्ट समिट 2018 पॉलिथिन प्लास्टिक बोतल कठिन प्लास्टिक सामग्री एवं अन्यान्य प्लास्टिक सामग्री मान सेही भली कठिन अवस्था रे शताब्दी शताब्दी धरी रहिथाय एहा मनुष्य समेत विश्वर उभय उद्भिद जगत और जीव जगत निमन्त अभिशाप पलटिबा को जाउछि एही बार्ता को आंतरजातीय ख्याति संपन्न बालुका शिल्पी मानस कुमार साहू मंगलवार दिन निजर बालुका कला माध्यम रे प्रदर्शित करिछन्ति स्थानीय बत्तीघर सम्मुखस्थ मानस साहू स्टैंडर्ड पार्क रे शिल्पी श्री साहू 20 फुट ओसार विशिष्ट एही बालुका कला रे सहरीकरण नाम विनाश भयावहता और प्रकृति मार सबुजीमा भरा शांत शीतल कोल को दर्शाई बालुकाकृतिर प्रस्तुति निमंते प्राकृतिक रंग समेत प्राय 20 टन बाली और 7 घंटार श्रम विनियोग
স্থানীয় কলাপ্রেমী জনসাধারণ পর্যটক তীর্থযাত্রী ও জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর ক্যাডেটগণক পক্ষে এই কলাকৃতির উচ্চ প্রশংসা করা যাইছি। আমি পুরী বেলাভূমি স্কাল্পচারটি করেছি লোকমানক সচেতন করিয়া পাই কে যেতে বহুত জোরে পলিউশন বড়ুছি প্রত্যেক প্রকার পলিউশন বড়ুছি তেণু পলিউশন রু যদি আমি এবে জাগ্রত হয়েকি আমি পলিউশন রু উদ্ধার ন পাইবার আগামী ভবিষ্যতে বহুত কিছু মানে পরিবর্তন আসবে জলবায়ুরে এবং তা দ্বারা লোকমানে বহুত প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হবে তেণু প্লাস্টিক পলিউশন নিয়ন্তু কিংবা জল প্রদূষণ নিয়ে বহু প্রকার পলিউশন আছে তেমন আমি গোটে লোক চাইলে সফা করি আমি সেইটা কেবে পরিবর্তন করে পারি এদ্বারা ইয়াপাই টেকনোলোজি আসা দরকার ইয়াপাই বহু কিছু কম্পানিজ ইনভেস্টর্স সমস্ত আসা দরকার আগেই এবং কৌশি মানে কেমি আমি সেটা টেকনিকালি হ্যাণ্ডেল করা দরকার যাদ্বারা কি আগামী দিনের পলিউশন হব না সে উদ্দেশ্য নেই ম্যাসিভ আর্থ সবমিশন 2018 আরম্ভ হচ্ছে তা দ্বারা বহু ইনভেস্টর্স আসবে বহু সাইন্টিস্ট আসবে বহু কিছু বহু ফিল্ডর লোক মানে সেটা আসবে এবং টেকনিকালি আমি কেমি সেটা হ্যাণ্ডেল করে পার টেকনিকালি আমি কেমি সবু অলিয়া আবর্জনা কেমি আমি পলিউশন কু পুনি রিসাইকল করে পার পুনি সেটা ব্যবহার যোগ্য করে পার সে উদ্দেশ্য নেই স্কাল্পচরটি করেছি লোক মানুষ সচেতন করা প্রায় 20 ফুট লম্বা বিশিষ্ট স্কাল্পচরটি 20 টন বালি ব্যবহার করি আমি 7 ঘন্টা লাগিছিল আমার স্কাল্পচরটি করা আজির কার্যক্রমটি কিপর লাগিল মতামত সহ নিশ্চয় জনাইবে পুরি দেখাব আসন্তকাল ঠিক এই সময় আপনার প্রিয় কার্যক্রম দৃষ্টি রুচি নমস্কার।